हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास टेंथ एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। ये त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज है जो ट्रिग्नोमेट्री का है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप ध्यान से देखते रहना क्या पूछ रहा है। देखो, ये कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए बच्चों साइन ए और सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में इसने पूछा है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइन ए को भी आपको कोट की फॉर्म में लाना है, सेक ए को भी आपको कोट की फॉर्म में लाना है और टेन को भी आपको कोट की फॉर्म में लाना है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। देखो, साइन ए को आप कैसे करेंगे। साइन ए इक्वल टू होता है, साइन ए का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन ए इक्वल टू, जो साइन ए होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए के। कोसेक ए, ये फॉर्मूला है बच्चों, साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए, रेसिप्रोकल होता है उसका, कोसेक ए का, ठीक है। अब बच्चों, इसे हमें किस फॉर्म में लाना है, कोट, कोट की फॉर्म में लाना है। तो कोट की फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोसेक ए बराबर होता है बच्चों, कोसेक ए का एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू बच्चों 1 होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर ए का। और बच्चों, कोसेक ए किसके बराबर होगा, कोसेक ए इक्वल टू होगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बच्चों अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो बच्चों, कोसेक ए की जगह मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए का। कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, और कोसेक ए इक्वल टू लिख सकता हूं बच्चों, मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट लगाऊंगा तो ये आ जाएगा कोसेक ए की जगह लिख सकता हूं बच्चों अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इस तरह से, इस प्रकार बच्चों जो साइन ए है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की फॉर्म में चेंज हो गया। देखो आप, ठीक है बच्चों, तो ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, साइन कोट की फॉर्म में आ गया आपके सामने। देखिए, अब इसी प्रकार बच्चों मुझे सेक ए को भी कोट की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो जो सेक ए होता है बच्चों, उसका भी यही फॉर्मूला होता है, सेक ए का, सेक ए, सेक ए का बच्चों बराबर होता है सेक ए इक्वल टू ऐसे, सेक ए, सेक ए इक्वल टू होता है बच्चों 1 अपॉन सेक, सेक का जो अपोजिट होता है बच्चों होता है कोस, या आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं सेक, सेक ए को, सेक ए को जब आप चेंज करेंगे तो सेक ए का बच्चों फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक ए को, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों सेक ए किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। बच्चों, जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है इस तरह से। तो सेक ए बराबर होगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, इस प्रकार। अब बच्चों, सेक ए टेन का जो अपोजिट होता है बच्चों वो होता है, टेन का अपोजिट होता है टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट ए। टेन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोट ए। तो अब क्या करेंगे बच्चों, टेन की जगह आ जाएगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोट स्क्वायर की यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। देखा बच्चों, सेक ए सारा किसकी फॉर्म में आ गया, कोट की फॉर्म में आ गया। हमें कन्वर्ट करना है सेक को कोट में, तो सेक आराम से कोट में चेंज हो गया। अब एक और बचा बच्चों लास्ट वाला, इसमें दिया है कोट को, टेन को भी कोट में चेंज करना है। तो बच्चों, टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट ए, ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। तो बच्चों, टेन को कोट में देखो कितनी जल्दी आराम से चेंज होता है, टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट ए, ठीक है बच्चों। अब अगली वीडियो मिलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। आप सभी का धन्यवाद।